स्टार्टिंग प्राइस क्या होने वाला है? स्टार्टिंग प्राइस है मेरे पास 35,000 की 800 35,000 में, हाँ, प्लस नाम ट्रांसफर का अलग है। तो दोस्तों 35,000 में आपको यहाँ गाड़ियाँ मिल जाएगी, तो उसको एकदम उसको देखने के लिए लास्ट तक वीडियो देखिए, तभी आप उसके बारे में डिटेल्स लास्ट में हम लोग दे देते हैं क्या भैया। हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं विनोद के ब्लॉग। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी हम लोग आ गए हैं बंगाल मोटर में, जहां आपको हर एक तरह से कम बजट में अच्छी अच्छी गाड़ियां दिखाने वाला हूं। अभी यहां हमारे पास देख सकते हैं कि ऑल्टो है, यहां आइटन लगा हुआ है, वहां जेन स्टीलो है और भी बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ हैं जिसको अभी मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो के यहाँ शुरू करते हैं और यहाँ का जो प्राउड ऑनर है उनसे मिलते हैं और सारे यहाँ का जो गाड़ियाँ का डिटेल्स है वो हम लोग यहाँ से लेंगे। सबसे पहले हेलो भैया, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। पूरा नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हो गया मोहम्मद साजिद अली और मेरे शॉप का नाम हो गया बंगाल मोटर। बंगाल मोटर जो डोरंडा राजेंद्र चौक स्थित फायर ब्रिगेड के सामने सामने है और रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर है हमारा। 1 किलोमीटर रेलवे सरकारी बस स्टेशन से भी वही 1 किलोमीटर। तो भैया अभी जो हम लोग देखने वाले हैं आज का क्या कौन कौन सा सेगमेंट और प्राइस क्या होने वाला? स्टार्टिंग प्राइस है मेरे पास 35,000 की 800 35,000 में, हाँ, प्लस नाम ट्रांसफर का अलग है। तो दोस्तों 35,000 में आपको यहाँ गाड़ियाँ मिल जाएगी, तो उसको एकदम उसको देखने के लिए लास्ट तक वीडियो देखिए, तभी आप उसके बारे में डिटेल्स लास्ट में हम लोग दे देते हैं क्या भैया। तो चलिए शुरुआत करने वाले, उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा इसी तरह लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए भैया शुरू करने वाले हैं। कौन सी गाड़ी होने वाली? हमारे पास है फिएट की लिनिया 2012 मॉडल। कितनी चली हुई है? चली हुई है 65,000 किलोमीटर। 65,000 चला हुआ है। ओरिजिनल कलर में मिलेगा भैया? नहीं, पेंट किया हुआ है। अच्छा, हल्का फुल्का स्क्रैच था गाड़ी में तो हमने इसको पेंट मतलब टचअप एक तरह से बोल सकते हैं। टचअप किया हुआ है। नंबर आप देख लो J801 रांची का गाड़ी मिल जाएगी भैया। हाँ, कितना चला हुआ है ये? 65,000 चला हुआ है और इसका किलोमीटर जो है ना खराब हो गया डिस्प्ले किलोमीटर का। अच्छा, वो जो लेगा उसको चेंज करवाना होगा। तो चलिए इसका थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। टायर का कंडीशन आप लोगों को देख रहा हूं, पांचों नया है। पांचों टायर का कंडीशन देख सकते हो एकदम नया है। आपको थोड़ा बैकग्राउंड आपको दिखा दे रहा हूं। पीछे का भी टायर का कंडीशन देख लो भाई, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन होने वाली है। बाकी आप पीछे देख लो इंटीरियर में क्या क्या मिलता है भैया। ये सेकंड टॉप मॉडल है, पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडो है, एसी है गाड़ी में, स्क्रीन टच टेप है। अच्छा, बैक कैमरा भी है इस गाड़ी पे। बैक कैमरा भी मिल जाता है। बाकी सीट का कंडीशन देख लो यार, एकदम A1 कंडीशन होने वाली है। इसमें कोई कवर वर नहीं लगा हुआ है सीट में। हाँ, पीछे का भी आप कंडीशन देख लीजिए, एक नंबर कंडीशन आपको यहाँ मिल जाएगा, सारा चीज मिल जाएगा। क्या प्राइस पड़ने वाला है इसका? ये केवल 2,20,000 में पड़ेगा। 2,20,000 नाम ट्रांसफर के साथ। नाम ट्रांसफर के साथ मिलेगा। इंश्योरेंस वगैरह भी सब पेपर अप टू डेट करके दीजिएगा। थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा यहाँ ऑन टेबल आने के बाद, कुछ तो कम कर ही देंगे। चलिए, तो जिन किन्हीं भाइयों को चाहिए 2,20,000 में आके यहाँ से ले जाओ। दूसरी गाड़ी, ये कौन सी गाड़ी होने वाली है? ये I10 की मैग्ना। I10 की मैग्ना। ओरिजिनल कलर में मिलेगी? पेंट सब ओरिजिनल है। ओरिजिनल कलर में मिलेगी। कहाँ की गाड़ी होने वाली है भैया? रांची नंबर होने वाली। कितना चला हुआ है? चला हुआ 80,000 करीब। ऑनर का बात करें तो फर्स्ट ऑनर मिल जाएगी। थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू यहाँ से दिखा रहा हूँ। नंबर आप देख लो J01 रांची के नंबर होने वाली। टायर की कंडीशन देख लो भाई, ब्रांड न्यू होने वाली है। बाकी आपको पीछे से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे का भी टायर देख लो, एक नंबर होने वाला है। बाकी आपको यहाँ से पीछे का आप देख सकते हो। इंटीरियर में क्या क्या मिलता है भैया? ये देख लीजिए, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, एसी है। बाकी आप यार सीट का कंडीशन देख लो, एकदम ब्रांड न्यू होने वाली है। पीछे का भी देख लो। बाकी इसमें पावर विंडो आगे मिलता है ना भैया? नहीं, आगे पीछे सब है। आगे पीछे दोनों है, आप यहाँ से देख सकते हो। क्या प्राइस रखे हुए हैं भैया इसका? इसका पड़ेगा 1.5 लाख रुपया। थोड़ा बहुत
नेगोशिएबल हो जाएगा। मेरे चैनल के थ्रू आएगा तो क्या स्पेशल डिस्काउंट होगा? एकदम डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए, तो जिन किन्हीं भाइयों को चाहिए यहाँ से आप आराम से आके ले सकते हो गाड़ी, बाकी कंडीशन में उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये कौन सी गाड़ी होने वाली है भैया? ये भी i10 की मेगना है, 2008 मॉडल ये भी है। अच्छा, दो गाड़ियां हैं, सेम कलर है मेरे पास, ठीक है, सेम कंडीशन भी है, वो भी 2008 है, ये भी 2008 है। कितना चला हुआ है वैसे बता? ये 98,000 चला हुआ। 98,000 चला हुआ है। ओरिजिनल कलर मिलेगी? पेंट वेंट सब ओरिजिनल है। ओरिजिनल मिलेगी। ऑनर का बात करें तो भैया, ये सेकंड ऑनर है। सेकंड ऑनर है। एक बार ओवर भी मैं, फुल्ली ओरिजिनल पेंट है, फुल्ली ओरिजिनल कलर में आपको मिल जाएगी। नंबर आप देख लो, रांची के नंबर होने वाली है। बाकी टायर का कंडीशन देख लो, ये भी अच्छी कंडीशन होने वाली है। पीछे का भी मैं आपको, बैक कवर भी आपको दिखाता हूँ। पीछे से भी देख सकते हो गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में होने वाली है। क्या क्या इसमें फीचर्स मिल जाते हैं? पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडो है, एसी है। अच्छा, पेपर अप टू डेट मिलेगा आपको। तो इसमें आप देख लो, पावर यहाँ विंडो मिल जाएगी, पावर स्टेयरिंग मिल जाएगी, एसी मिल जाएगी भैया, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगी। बाकी आप सीट का कंडीशन देख लो भाई, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन होने वाली है। क्या कीमत रखे हुए हैं भैया इसका? आपको पड़ेगा वही 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया, थोड़ा बहुत आने से हो जाएगा। ये कौन सी गाड़ी होने वाली है? ये है मारुति की जेन, 2007 मॉडल, ब्लैक 2007 मॉडल है। कितना चला हुआ है मैम? ये भी चला हुआ है 1 लाख करीब। 1 लाख करीब चला हुआ है। ओरिजिनल कलर है भैया? नहीं, ये पेंट है, पेंट किया हुआ है। बाकी ऑनर का बात करें तो भैया, ऑनर सेकंड ऑनर है ये, सेकंड ओनर। गाड़ी का नंबर ये कहाँ होने वाला है भैया? डाल्टनगंज से होने वाले। बाकी एक बार कंडीशन आप देख लो, आप पीछे से टायर एक नंबर है, डॉरविल वगैरह मिल जाता है भैया इसमें। पीछे का भी टायर का कंडीशन देख लो, एक नंबर होने वाला है। बाकी आप पीछे देख लो, एकदम जेंट्स लो, यहाँ से मिल जाएगा। इंटीरियर में क्या क्या मिलता है भैया इसमें? पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, पावर स्टेयरिंग मिल जाएगा, पावर विंडो मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। म्यूजिक सिस्टम इसका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ओरिजिनल, और ये सोनी का है और ओरिजिनल फिटेड है, ये ओरिजिनल फिटेड है, वो मारुति सुजुकी का। बाकी इसमें पावर ये मिल जाएगा भैया, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी। सीट का कंडीशन देख लो भाई, बहुत अच्छी कंडीशन में है। आप यहाँ पे ये सारा देख सकते हो। क्या प्राइस रखने वाले हैं भैया इसका? ये बिना ट्रांसफर आपको पड़ेगी 75,000, और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होगा। 75,000, ये बहुत कम रेट पे दे रहा हूँ, 2007 मॉडल, 75,000, कोई नहीं देगा। ट्रांसफर खुद से करवाना होगा? ट्रांसफर का खुद से नहीं है, ट्रांसफर का आपका पैसा लगेगा, हम लोग करवा देंगे। इंश्योरेंस वगैरह है? सब इंश्योरेंस हम देंगे, इंश्योरेंस आप दीजिएगा। तो जिन किन्हीं भाइयों को चाहिए यहाँ, 75,000 में भाई आके ले जाओ यहाँ से जेन एस टी। ये है हमारे पास फोर्ड आइकॉन। अच्छा, क्या कितना चला हुआ है अभी ये फोर्ड आइकॉन है? 28,000 चला हुआ है, ओरिजिनल पेंट में है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, प्लस ये डीजल गाड़ी है। डीजल गाड़ी, डीजल गाड़ी। कौन सी ईयर की है? 2009 मॉडल, 2009 की। ओरिजिनल कलर है भैया? हां, पेंट फुली ओरिजिनल, पेंट फुली ओरिजिनल, ब्लैक में मिल जाता है आपको। एक बार कंडीशन देख लो, कहां की नंबर होने वाली है? ये जमशेदपुर नंबर, जमशेदपुर नंबर J05, जमशेदपुर नंबर मिल जाएगी। बाकी टायर की कंडीशन देख लो भाई, एकदम नई होने वाली है। एक बार मैं आपको बैक से भी दिखा दे रहा हूँ टायर का कंडीशन, ये भी देख लो, MRF का लगा हुआ, एकदम ओरिजिनल है। चाल में ये रॉकेट है, रॉकेट, रॉकेट। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया कि आप ये इंजन का ये नहीं दिखाते हैं, तो अभी इंजन पूरा आप लोग को यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो एकदम देख सकते हो कंडीशन भाई, एकदम एक नंबर आपको यहाँ से कंडीशन मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीजल गाड़ी है तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई भी मेरे यहाँ आइएगा तो नई भी गाड़ी अगर एक आध महीना की भी होगी तो मैं उसमें गारंटी नहीं लूंगा। डीजल गाड़ी में कोई गारंटी नहीं होता। में देखिए, कोई अभी इंजन बैक कंप्रेसर नहीं है, कोई वगैरह नहीं है। देखिए, कोई मोबिल नहीं छीट रहा है, गाड़ी स्टार्ट है, कोई भी मोबिल नहीं छीट रहा है। जिन किन्हीं भाइयों को चाहिए अपना मैकेनिकल लेकर आओ, आप चेक करा के आराम से यहाँ से लेके जा। ये गाड़ी रॉकेट है, रॉकेट चाल में, 20 का माइलेज है इसमें। इंटीरियर में क्या क्या मिलता है भैया? इसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, टेप भी बढ़िया लगा हुआ है, केनवुड का टेप है। अच्छा, बाकी आप यार कंडीशन देख सकते हो, सीट का कंडीशन, गाड़ी स्टार्ट है, कोई धुआं नहीं है, आप पीछे भी दिखा सकते हैं, पीछे भी आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी यहाँ देख लो, पावर विंडो यहाँ से मिल जाता है, पीछे भी देख लो, गाड़ी स्टार्ट है एकदम, और एकदम जरा सा भी धुआं वगैरह आपको यहाँ से नहीं मिलता है।
कीमत इसका रखे हुए भैया? ये सेकंड ऑनर गाड़ी है, इसका प्राइस आपको पड़ेगा 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसमें हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। तो जिन किन्हीं भाइयों को चाहिए 1.5 लाख में यहाँ पे आके इस गाड़ी को ले सकते हो। ऑल्टो की किस मॉडल होने वाली है भैया? ये अल्टो 2009 एलएक्स मॉडल है। एलएक्स मॉडल है, ओरिजिनल कलर में मिलेगी भैया? पेंट ओरिजिनल है। ओरिजिनल कलर में मिलेगी, कितना चला हुआ है भैया? चला हुआ है ये किलोमीटर पे मत जाइए, ओरिजिनल कम से कम तो ये 1 लाख चली होगी किलोमीटर। 1 लाख कम से कम चला हुआ है, लेकिन ये कम से कम 1 लाख चली होगी। 1 लाख चला हुआ है। ओरिजिनल कलर तो मिल ही जाता है। ऑनर ओरिजिनल है। ऑनर कौन सा? सेकंड ऑनर है। सेकंड ऑनर होने वाला गाड़ी। बाकी गाड़ी का कंडीशन एक बार मैं देखा, गाड़ी बहुत बढ़िया कंडीशन। नंबर देख लो, हजारीबाग होने वाली है भैया। हजारीबाग नंबर है। टायर प्लेन है गाड़ी का, डिमेरिट बस ये गाड़ी में ये कि टायर प्लेन है, मतलब टायर आप इसमें लगा दो तो गाड़ी 1 नंबर हो जाएगा, है ना भैया? स्टार्टिंग इंजन सब देख सकते हैं, बाकी डोर व्हील वगैरह 1 नंबर है, पीछे का भी टायर का कंडीशन देख सकते हो, बाकी आप उधर बैक प्रोफाइल देख सकते हो सारा चीज। बाकी एक बार आप लोग को दिखा दे रहा हूँ इंटीरियर। इंटीरियर में इसमें क्या क्या मिलता है भैया? इसमें केवल एसी है बस। केवल एसी मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। पावर स्टीयरिंग तो इसमें नहीं, इसमें एलेक्स में नहीं रहता। बाकी सीट का कंडीशन देख लो, पीछे का भी देख लो, बाकी 1 नंबर होने वाला है। क्या कीमत रखे हुए भैया? इसका प्राइस है 1,10,000 रुपया। 1,10,000 रुपया, थोड़ा बहुत उसमें भी हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो जिन किन्हीं भाइयों को चाहिए यहाँ से 1,10,000 में भाई गाड़ी ले जाओ, एकदम फ्रेश कंडीशन में है। बाकी देखो ऐसा नहीं है कि आप आके सीधे ले जाओ, बाकी जिम की नहीं भाई, थोड़ा डॉट वगैरह है तो थोड़ा अपना मैकेनिकल लेके आओ और चेक करा के ले जाओ, है ना भैया? कौन सी गाड़ी होने वाली है? ये है हमारे टाटा कंपनी की सुमो ग्रैंड है। सुमो ग्रैंड, अच्छा कितना चला हुआ है भैया? 2012 मॉडल है, चली हुई है अप्रोक्स 85,000 किलोमीटर। 85,000 लगभग चला हुआ है। ओरिजिनल कलर में मिलेगी? पेंट 100% ओरिजिनल है। ओरिजिनल कलर 100% इसमें मिलेगी। ऑनर कौन सा होने वाला होगा भैया? ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। थोड़ा आप टूर आपको इसका शेयर करा दे रहा हूँ। नंबर रांची का पहले की तरह, ये भी रांची का गाड़ी मिल जाएगी। बाकी आगे टायर का कंडीशन आप देख लो भाई, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन, अपोलो का यहाँ लगा हुआ है, आप ये देख लो। बाकी गाड़ी तो देख सकते हो एकदम वीआईपी गाड़ी होने वाला है। पीछे का भी देख लो भाई, 1 नंबर होने वाला है। बाकी यहाँ पीछे से देख सकते हो भाई, 1 नंबर गाड़ी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इंटीरियर थोड़ा आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्या क्या इसमें मिल जाता है भैया इंटीरियर में? इसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, एसी है, सारे कुछ मिल जाएगा। म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ड है भैया, लगा हुआ इनबिल्ड है। अच्छा, बाकी सीट का कंडीशन देख लो भाई, आगे एकदम बहुत लंबा चौड़ा गाड़ी मिल जाएगा, एकदम कंफर्टेबल मिल जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या कीमत होने वाली होगी इसका? 1.5 लाख रुपया मात्र, 2012 मॉडल। मात्र डेढ़ लाख। उसमें भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, कुछ ट्रांसफर। इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा? सब इंश्योरेंस वगैरह भी मिलेगा। बाकी यहाँ से जिम के लिए भाइयों को चाहिए भाई, यहाँ से आके 1.5 लाख में इसे अपना बना लो, है ना भैया? अब जिस गाड़ी का हम लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे 35,000 वाला, उस पर चलते हैं और उसका डिटेल्स आप लोग को बताएंगे। तो भाई जिस गाड़ी का बेसब्री से इंतजार था 35,000 वाला, वो आपको यहाँ मिल जाएगा, है ना भैया? डिटेल्स बता दीजिए भैया इसका। ये 1992 की मॉडल है। 1992 की, 2023 तक रजिस्ट्रेशन है। सेकंड ऑनर है। पेंट ओरिजिनल है। इंटीरियर मस्त है। गाड़ी की चाल मस्त है। ऐसा नहीं है कि आप इसका इंजन भी। क्या क्या इसमें मिल जाता है भैया? इसमें तो नॉर्मल स्टैंडर्ड गाड़ी है। इसमें क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड गाड़ी है। सीट का कंडीशन वगैरह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीट है। पीछे का भी कंडीशन देख लो भाई, एकदम ब्रांड न्यू होने वाला है। पेंट ओरिजिनल है। गाड़ी स्टार्ट में एकदम है उसका, आप यहाँ से इंजन भी देख सकते हो। इंजन भी यहाँ देख लो भाई, एकदम स्टार्ट इंजन, टोनलेस इंजन है, एकदम दौड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पुरानी गाड़ी है तो इसका इंजन खराब होगा, ये एकदम साउंडलेस इंजन, आप देख सकते हैं। एकदम देख ले, आवाज एकदम नाक के बराबर है, एकदम आवाज। चाल भी बहुत बढ़िया है। चाल भी एकदम एक नंबर मिलने वाला। क्या कीमत रखे हुए हैं?
मात्र 35,000 फिक्स प्राइस 35,000 प्लस उसमें क्या नाम ट्रांसफर इंश्योरेंस वगैरह? हाँ इंश्योरेंस दूंगा मैं। इंश्योरेंस आप देख लीजिए कौन सा ये ऑनर होने वाला होगा? ये सेकंड ऑनर है, जो लेंगे वो थर्ड ऑनर होंगे। जो लेंगे वो थर्ड ऑनर होंगे, बाकी ये सेकंड ऑनर होने वाला है। तो जिन किन्हीं भाइयों चाहिए भाई यहाँ से आके ले सकते हो। बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेरी होता है भैया कि चोरी की गाड़ी और एक्सीडेंटल गाड़ी तो यहाँ आप लोग नहीं रखते हैं। मेरे पास ना तो आपको चोरी की मिलेगी ना ही एक्सीडेंटल मिलेगी। मेरा यहाँ पर 1998 से दुकान है, उसमें बहुत कम ही दुकान यहाँ हुआ करती है। अच्छा, पहले हम लोग बंगाल से गाड़ी लेते थे, इसीलिए बंगाल मोटर नाम है हम लोग का, उसी समय बंगाल मोटर के नाम से ही रजिस्टर्ड था, जो अभी तक चल रहा है। बाकी बोल रहे कि भैया इंश्योरेंस वगैरह आप लोग करवा दीजिए, गाड़ी का पेपर अप टू डेट देंगे। पेपर अप टू डेट करके दीजिएगा, उसमें कितना दिन लगता है अप टू डेट होने में? पेपर तो हम लोग हैंड टू हैंड अपडेट देते हैं, तब गाड़ी का पेपर अपडेट ही होता है। जिसका इंश्योरेंस नहीं होता तुरंत करवा के देते हैं। ट्रांसफर में 1 महीना टाइम लग जाता है। ट्रांसफर में 1 महीना, क्योंकि नॉर्मल कहीं से भी गाड़ी लो 1 महीना सवा महीना आपको लगेगा ही लगेगा। उससे जल्दी होगा लेकिन कम नहीं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन किन्हीं भाइयों के यहां से कोई भी गाड़ी चाहिए, यहां का डिटेल्स, भैया का नंबर वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन और डिस्प्ले में दिया हुआ है, आप यहाँ आके बात कर सकते हो। और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप यहाँ विजिट करोगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? बहुत बेहतर रहेगा विजिट करना, क्योंकि यहाँ आइएगा तो आप गाड़ी को देख पाइएगा। और मेरे यहाँ गाड़ियाँ ज्यादा दिन बसती भी नहीं है। हाँ, ये चीज तो है कि ज्यादा दिन बसती नहीं है, क्योंकि गाड़ी आपके पास सारे कंडीशन में होती है। तो भैया वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं, बनने का तो भी बहुत लंबा बन जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। बस अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।